still drive me crazy. हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करने वाले हैं 24 घंटे पंजाबी मील बनाने के लिए। मैंने मेरे पति को जब बताया, वो कह रहे कि औदा ही की खाने हैं, पंजाबी खाने हैं, पर मैं सोचा कि ऐसी कोई भी मील होर कोई नहीं खाना। यूजली असी खा लेने कि बारबेक्यू कर लेने इटालियन, पर अज असी जो भी बनावांगे पंजाबी बनावांगे। से हुण तंदूर होवे तां आ तुम ज्यादा ना चंट ना बनो। सो हम दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक के साथ, जैसे इंडिया में घरों में या पंजाब में होता है कि रात की बची सब्जी के साथ हम लोग परांठे खा लेते हैं या फिर परांठे बनाते हैं, पर हम बहुत ज़्यादा परांठे नहीं खाते, परांठे ओकेजनली खाते हैं। सो कल मैंने बनाए थे राजमा, आज हम खाएंगे राजमा के साथ परांठे प्लेन। और दूसरी चीज़ है कि हम उठते ही फूड नहीं खाते, हम पहला मील हमारा नहीं खाते ब्रेकफास्ट। ऑलरेडी 2 बज रहे हैं और हम लोग खाने वाले हैं राजमा के साथ परांठे, और मैं जल्दी से राजमा को मैंने उठ के गर्म कर लिया था, अब मैं परांठे बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। सो रोटी बनाने के लिए मैं इतना ग्लैमरस हो गई रही, तो क्लिप ला लेने दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे राजमा बनाती हूँ, अगर आप मेरे राजमा की रेसिपी देखना चाहते हैं इसी चैनल पे राजमा करके सर्च कर लें, जो साइट पे सर्च का साइन आता है, तो आपको मेरे डिलीशियस राजमा मिल जाएंगे। अगर आप वो ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त जब ट्राई करते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे जान के बहुत खुशी होती है। सो परांठे बनाने के लिए हमारे पास कितनी सारी टाइप्स हैं, हम पति से पूछ लेते हैं कि उनको कौन सी किस्म का परांठा खाना है। बाहू लच्छेदार परांठा खाना, स्क्वायर परांठा खाना, ट्राइंगल और उसमें हम कई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बनाएंगे लच्छेदार परांठा। उसके लिए मैंने बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, इसको अच्छी तरह बेल लिया जाएगा और इसके ऊपर मैं अच्छी तरह स्प्रेड करूँगी ऑयल। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा उनको अजवाइन चाहिए परांठे में, तो उस पर मैं अजवाइन सॉल्ट एंड रेड चिली स्प्रिंकल करके इसको रोल कर लूँगी। और उसके बाद तो इस लंबी आटे की लेयर को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगी, और उसके बाद जैसे मैं इसको रोल करते जाऊँगी हर एक लेयर में मैं ऑयल लगाती जाऊँगी, ताकि जब मैं इसको बेलूँ लेयर्स बरकरार रहें, घुले नहीं। तो उसके बाद हम इसको बेलेंगे, और बेलते समय मैं इस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे परांठे में लेयर्स चाहिए, क्योंकि ये लच्छे वाला परांठा है। और इसको पर हल्के हाथ से बेल के हम इसको सेक लेंगे तवे पर। और मैंने शायद पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी परांठे पसंद हैं, तो हम इसको अच्छी तरह लो फ्लेम पे क्रिस्पी कर लेंगे, और वैसे भी लच्छेदार परांठा क्रिस्पी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारी राजमा बिल्कुल तैयार है, गरम है, और आप देखिए मेरी राजमा की करी कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी है। मुझे वो राजमा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जिनमें आप मसाला देख सकते हैं, लाइक आप अनियन अलग से देख सकते हैं, टमाटर अलग से। मुझे राजमा अच्छे लगते हैं बिल्कुल टब्बा स्टाइल की, सारा कुछ एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। पर मैं मेरे मसाले को पेस्ट नहीं बनाती हूँ, उसको मैं राजमा के साथ कुक करती हूँ, ताकि वो बहुत ही स्मूथ राजमा बने। सो परांठा, अमदा चार एंड राजमा। सो दही भी खा सकते हैं, पता नहीं पति नहीं खा। किधर तो क्रिस्पी बने परांठा, सॉरी तो खान वीडियो बनाते हैं जिदा ब्याह च बनाते रहते मैं आदत पै गई खाने। ओके तुम रुको ना फिर खाने, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਲਾਜਵਾਬ, ਲਾਜਵਾਬ, ਲਬਾਬਦਾਰ, ਲਬਾਬਦਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਦਮਦਾਰ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰੌਂਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਫੁਲਕਾ ਖਾਊਂਗੀ। ये जाएगा पत्ती के लिए। सो नॉर्मल दिनों में हम लोग खाना खाने के बाद चाय नहीं पीते हैं, पर बिकेज आज पंजाबी दिन है तो पंजाबी रोटी खाने के बाद चाय पींदे आ, तो हम छोटे छोटे कप चाय दे पीने वाले हैं पूरी पंजाबी वाली फीलिंग लैन ली। हस्बैंड नूं घट चाह देवांगे अहीं, क्योंकि अहीं मीन आ, वैसे भी वह कहते मैं थोड़ी पीनी आ। एक चाह पींदे आ, दूजी मंगा ली आ। चाह चलन डी आ, अहीं सोचा अज पूरी पंजाबी वाली फीलिंग लईए, वेले बैठो चाह चक्की, चलो चक लो चाह। झूठ बोलन दिया सवेर का कप्पा, इदा होंगे आ
सवेर दे कप हजे चके नहीं है, दूजी चाह। सो अब बारी आती है शाम के स्नैक की। अब तकरीबन 6:30 बज चुके थे और हमने सोचा कि बाहर बारिश जैसा दिन है तो पकौड़े बना लेते हैं। वैसे भी आज पंजाबियों वाली वीडियो है तो पनीर के पकौड़े हमारे काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे मैं पनीर के पकौड़े बहुत कम बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा बनाते हैं। सो बेसन का बैटर मैंने बना लिया है, पर पनीर के पकौड़े के लिए मैं बैटर को पतला करूँगी, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे पनीर पे जो बेसन की लेयर है बहुत पतली हो। और इस समय मैंने सोचा है कि मैं पनीर में हरी चटनी भी लगाऊंगी। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया, ग्रीन चिली। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल लिया है। मेरे पास धनिया थोड़ा कम था तो मेरे पास पालक है, मैंने पालक भी ऐड कर लिए क्योंकि पालक भी अच्छी लगती है पकौड़े में। सो उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके बहुत ही गाढ़ा सा धनिया का पेस्ट बना लिया है। अभी केस हिम्मत पनीर के पकौड़े को इतना शौकीन नहीं है तो उसे ब्रेड के पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने थोड़े से आलू भी बॉईल कर लिए और आलू का मिक्सचर मैं बना रही हूँ ब्रेड के पकौड़ों के लिए। इसमें मैंने धनिया, जीरा पाउडर और सॉल्ट, लाल मिर्च एंड हरा धनिया एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड करके इसका मिक्सचर बना के मैं रख लूँगी। और जब ये मिक्सचर तैयार होता है, अब हम पनीर को काट लेंगे। पनीर के मैं लंबे लंबे स्लाइसेस काट रही हूँ पतले, और उसके बाद उसमें एक हम कट भी लगा लेंगे जिसमें हमें चटनी भरनी है। वंस ये डन हो जाता है तो मैं ब्रेड को भी ट्रायंगल शेप में काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये शेप के ब्रेड पकौड़े अच्छे लगते हैं। लाइक हम हमेशा से यही शेप के ब्रेड पकौड़े खाते आए हैं। और अब हमारा ये स्टेशन तैयार है, अब हम इसको तैयार कर लेंगे। पनीर में मैं चटनी का मिक्सचर लगा रही हूँ और ब्रेड पकौड़े में भी मैं चटनी का मिक्सचर लगा के आलू को स्टफ़ करके रख लूँगी तैयार करके, ताकि हम जब रेडी हों पकौड़े बनाने के लिए सिर्फ बेसन लगा के इसको फ्राई कर लें। तो मेरे पकौड़े फ्राई करने के लिए तैयार है। अब बारी आती है चाय रखने के लिए, क्योंकि चाय के बिना पकौड़े। सो मैं सारी चाय का सामान एक ही दम डाल देती हूँ और उसको करने देती हूँ रिझने देती हूँ ताकि वो फ्लेवरफुल बन जाए। मैंने इसमें डाला है जिंजर एंड हरी इलायची। जब तक ये अच्छी तरह बन रही है, हम पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे उसके साथ। सो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए भी बेसन की पतली सी लेयर चाहिए। और सबसे पहले मैं हिम्मत का ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ। इसमें सिर्फ प्लेन आलू एंड बहुत ही हल्का सा मसाला है, इसमें ग्रीन्स नहीं है, क्योंकि फिर उन्हें बहाना मिल जाएगा नहीं खाने का। सो वंस ये फ्राई हो गया है, और मैं बाकी पनीर के पकौड़ों को भी पतली पतली लेयर लगा के फ्रायर में डाल दूंगी। लेयर बहुत पतली होने की वजह से थोड़ा गंदा मच रहा है हमारी कढ़ाई में, पर इट्स ओके। और वंस इसको हम मीडियम टू लो हीट पे अच्छी तरह क्रिस्पी कर लेंगे। और वंस आपके पकौड़े रेडी हैं, आप उनकी साइड चेंज कर लें। और जब आपको लगता है कि ये अच्छी तरह हो चुके हैं आपकी पसंदीदा क्रिस्पीनेस के हिसाब से, उसे हम निकाल लेंगे। Of course we keep on going, though everybody knows it, the truth about our way we tie the loose ends.
और इसे सर्व किया जाएगा इमली के चटनी के साथ। और जो इमली की चटनी मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने खुद ही घर पे बनाई है, उसकी भी मैं रेसिपी फ्यूचर में कभी शेयर करूँगी ज़रूर। और ये प्लेन हिम्मत का पकौड़ा है ब्रेड वाला, और मेरे पनीर के पकौड़ों पर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। और आप देखें ये कितने खूबसूरत पकौड़े दिख रहे हैं। आई एम श्योर कि आपका भी पकौड़े पनीर वाले पकौड़े खाने के लिए मन कर जाएगा इन ब्यूटीफुल क्रिस्पी पनीर के पकौड़े को। सो उसके बाद डिनर के लिए हमने सिर्फ एप्पल खा लिए हैं क्योंकि पेट में जगह नहीं बची है। लेटर ऑलरेडी हमने पनीर के पकौड़े खाए मैन, और हम डिनर को स्किप करेंगे। अब सरदार जी, हेलो प्यारे दोस्तों, सो आज है अगली सुबह। कल हमने लेट स्नैक करने की वजह से पनीर के पकौड़े खा लिए थे, सो हमने डिनर नहीं खाया। पर आज है अगली सुबह और अभी भी हमारा ये जो चैलेंज है उसके कुछ घंटे बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि आज हमारा जो ब्रेकफास्ट कम लंच होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे मेरे पति बहुत कम खाते हैं, पर आज मैंने उनको गोभी परांठे खाने के लिए मना लिया। सो जैसे मैंने कहा कि मेरे पति कम खाते हैं, उस पर मत जाना, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हम लेंगे आज गोभी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मुझे कुकिंग करना पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं बहुत ही लाजवाब फूड कुक करती हूँ क्योंकि जब ये दोनों खाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब मैं छोटी थी और मैं किचन में कभी कुछ कुक करती थी वो बहुत ही रेयर होता, तो फिर मैं ऐसे प्रटेंड करती थी कि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं ऐसे करती थी कि थोड़ा ज्यादा नमक ऐड करेंगे, अपनी ऑडियंस के लिए कुक करती थी मैं। अगर आप भी ऐसे करते तो प्लीज़ बताना, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसे नहीं करती होंगी, बहुत सारे और लोग भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना हम लोग कि हमें बहुत सारे दुनिया देख रही है कुक करते हुए। नमक स्वाद अनुसार, चिल्ली तो ही भी कर दे ही बहू अड्डा बचपन से कर दे ही। तो हम ले रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत गोभी का फूल, इसे हम करेंगे क्रश। क्रश करने के लिए मेरे हाथ इतने मजबूत नहीं हैं, सो मैं फूड प्रोसेसर को यूज़ कर लूँगी ताकि जल्दी से हो जाए। तो उसके बाद हम इसको नमक ऐड करके थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, और फिर हम बुलाएंगे पति की हेल्प के लिए पति को, क्योंकि फिर वो हमें पानी निचोड़ के दे देंगे। सो शुरुआत करते हैं गोभी पराठा बनाने से। सो सब तो पहला गोभी को अच्छी तरह धो लें। हस्बैंड कर रहे हैं डिनर की तैयारी, चिकन एंड चिकन ब्रेस्ट एंड चिकन जैसा पट्टी। मैं यहाँ पे आई थी परांठे बनाने के लिए 1 बजे, सुन 2 बज रहे हैं, बीच में ब्रेक लेना चाहिए ही क्योंकि मैं थक गई, पर नाउ मेरे साथ ये मॉरल सपोर्ट आई है तो मैं दोबारा से आ गई हूँ बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम गोभी को छोटा छोटा काट के इसमें डाल के क्रश कर लेंगे। सॉरी, गोभी इज नाइस क्लीन एंड वॉश्ड। का गोभी क्रश हो चुकी है, हम थोड़ा मोटा रखेंगे क्योंकि मुंह में फील होती गोभी ज़्यादा अच्छी लगती है। लास्ट टाइम मैंने ओवर क्रश कर दी थी सो हमें मज़ा नहीं आया था। सो परांठों के मिक्सचर में मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्ची, जिंजर, धनिया एंड रेड अनियन हम एंड में डालेंगे क्योंकि मैं रेड अनियन खाती नहीं हूँ, तो जब मैं हस्बैंड का परांठा बनाऊँगी तो उसकी स्टफिंग में उसी समय हम रेड अनियन ऐड कर देंगे। हम काटेंगे अनियन। यार ने दिना तो ही अही ना हसीन वादियाँ से साड़ी चूचू निकली स्विट्जरलैंड वांगो और सारा ही बनाएगा और ऐदा होया मेरे।
लगता है कि इसने इनफ पानी छोड़ दिया होगा। अब हम मजबूत हाथ लेंगे हस्बैंड के। ते उस देखो दोस्तों कितनी मदद कितनी मजबूत हाथ चल गया था उन्हें। मैं नहीं कर पाती ना आजकल, पहले तो वैसे मैं ही करती थी पर अगर आप तो कर ही पाएंगे। सो हमें चाहिए इस तरह की गोभी ताकि हमारा परांठा अच्छी तरह बन जाए, बाहर नहीं निकले, क्योंकि जो कनेडियन गोभी है उसमें बहुत 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 ज़्यादा पानी है। इंडिया वाली गोभी से इतना पानी नहीं निकलता, इतने मूलियाँ वांगू पानी निकलता। हस्बैंड चिकन वॉश कर रहे हैं। सो मैंने थोड़ी सी फुल क्रीम निकाली है मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि परांठे मक्खन के बिना इतने मज़ेदार नहीं लगते और वाइट मक्खन ज़्यादा डिलीशियस लगता है येलो के बदले। सो अब हमारी गोभी तैयार है। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले में मैं डालूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन एंड थोड़ा सा जीरा। अजवाइन इसमें बहुत अच्छा टेस्ट करती है, सो ज़रूर से ऐड करें। सो नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला था। सो अब इसको करेंगे मिक्स। अनियन हम लेटर ऐड करेंगे सिर्फ परांठे बनाते समय। तो मक्खन बनाने के लिए क्रीम को मैं रूम टेम्परेचर में रखना भूल गई थी। सो इसको अभी से हम मक्खन बनाना शुरू करते हैं, होपफुली जल्दी निकल जाए क्योंकि परांठे बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। सो मक्खन हो चुका है ऑलमोस्ट तैयार। आई एम वेरी हैप्पी कि पूरे समय पे हो गया। और अगर आप मक्खन कैसे बनाएं की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ मक्खन एंड सिमोर दोनों इकट्ठे सर्च करने हैं। सो यस, देखो दोस्तों इतना सोना मक्खन कि जे तो रोटी खाने दिल नहीं भी करता ना तो भी कर लेगा। जे तेरा पति नाराज है उन्हें मक्खन बना दो, उन्हें मक्खन वांगू रैला हो जाना। नहीं सन क्यूट मक्खन रेडी। सो परांठा बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। दही रेडी है, दही हम सिंपल ही खाते हैं परांठे के साथ नमक मिर्च डाल के, मसाला डाल के, अंब का अचार, मक्खन। तो देख लो हम ऐसे परांठा बनावांगे और हम मुंडा कोई परेशान कर दिया सामने। मुंडे गो फ्रॉम हियर। सो गोभी का परांठा आप एक पेड़े में भी बना सकते हैं पर बिकेज ये गोभी बहुत ज़्यादा वाटरी है हम ज़्यादा ही स्टफिंग ऐड करते हैं तो मैं दो में बनाऊँगी। दो निक्के निक्के पेड़े लेंगे हम, तो इनको बेल के छोटी छोटी रोटियाँ बना लेंगे। अब हम इसमें भरेंगे गोभी का मिक्सचर खूब सारा। इस पे करेंगे स्प्रिंकल अनियन खूब सारे एंड हिमा लव्स इट। सो हमारा परांठा दिख रहा है कुछ ऐसा। अब दूजी रोटी लेके दरवाजा कर देंगे बंद, समथिंग लाइक दिस, और इनको कर देंगे अटैच एंड देन इसको बेल के करेंगे बड़ा। सी अरे बाहर बैठे खाने बैठो लबना पैना। सो इसको ध्यान से बेलें क्योंकि मैं चली गई थी कैमरे की, मेरी बैटरी लो हो गई थी तो रोटी गिली होगी, पर कोई गल नहीं हम एक्सपर्ट है हम इसको कर लेंगे मैनेज। ओके सो परांठा बन रहा है और पति ने सोचा है कि क्योंकि ऐसी पंजाबी रिचुअल अपना रहे हैं तो बाहर बैठ के खाएंगे जैसे हम लोग पंजाब में करते हैं बाहर तो पे बैठे, और वैसे भी आज परफेक्ट टेम्परेचर है ये काम करने के लिए तो हम खाएंगे बाहर। ऑयल में बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, ठीक ठाक लगाऊंगी पर बहुत कम ही नहीं क्योंकि लेटर हम इसे खाएंगे किसके साथ, चट्टे मक्खन के साथ। तो पति कर उठेंगे अश अश। गाइज बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंडीशन इन नन्हियां मनियां एवरी डे दियां चीज़ां मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं ना, तो
अज मेरा वन ऑफ दोज डेज आ जरा बहुत ज़्यादा वधिया नहीं है फिलहाल, पर असी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि मेरे पति नू मेरे हस्बैंड को परांठा बहुत क्रिस्पी किस्म का अच्छा लगता है, तो हम इसको कुक होने देंगे, क्रिस्पी होने देंगे सिमर पे। हमें नहीं चाहिए कि बर्न हो जाए, बट हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाए। प्लेट को मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है, इस समय पे मैं प्लेट तैयार कर लेती हूँ। और वैसे मैं यूजली हिम्मत का पराठा पहले बनाती हूँ, पर आज हस्बैंड का बना रही हूँ क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ खा लिया था पहले, पर हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया है और काफ़ी लेट हो चुके हैं। सो यह सोना ढाबा स्टाइल पराठा तैयार है। कुछ समय पहले हमारे दोस्त आए थे हमारे घर, तो हमने कहा कि मैं उनको आलू के पराठे खिलाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये अच्छे पराठे बनाती है और मक्खन के साथ बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने उनको आलू के पराठे बना के खिलाए और मेरे पराठे का साइज़ देख के हैरान रह गए। वो कह रहे कि इधर पराठा बिल्कुल ढाबे वाला है, एडा वड्डा। मुझे लगता है नॉर्मली घरों में लोग नन्हे नन्हे पराठे बनाते हैं, पर मैं ना बड़े पराठे वाला बंदा, ढाबे वाला परफेक्ट बंदा। तो आप बताना, आप छोटे पराठे वाले बंदे हैं या बड़े पराठे? गाइस पीछे से गंदे मत जाओ प्लीज। ओके, सो मुझे लग रहा है कि पराठा शायद ऑलमोस्ट काइंड ऑफ तैयार है। अब इसको दिया जाएगा हस्बैंड को। बहुत बढ़िया पराठा बना दोस्तों, मैं दिल खोल के इस पे मक्खन डालूंगी क्योंकि मेरे पति का पराठा कुछ कुछ होए ना मैंने बड़ा पसंद है। यस आई एम यूजिंग माई हैंड, जितना ही करते हैं कर आज यार। ओके, मैं हूँ शेफ, अगर आपको नहीं पता है। तो शेफ अपने फूड को हैंड से टच करते हैं, ओके? पर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब एंड बुरा लगता है जब शेफ के हाथों में ज्वेलरी हो और या ब्रेसलेट हो या कुछ वंगा हो, मैंने बहुत अजीब एंड खिंच आंदी है। क्योंकि जब आप कुक कर रहे हैं आपके हाथों में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कोई बैंगल्स नहीं होनी चाहिए, कोई रिंग्स नहीं होनी चाहिए, देन यू टच फूड आई एम ओके। बट अगर तुम गहने गट्टे पा के कुकिंग कर दें मत करो, ओके? चलो चलिए पति में लीजिए। दोस्तों पता नहीं तुम मैं देख पा रहे हैं या नहीं, पर असी डिसाइड किया बाहर धुप्पे बह के खाना। और दूजी गल आ कि साढ़े को बाहर बहन ली मंजा नहीं है, तो हम दही बिछा के खाएंगे और यहाँ छाव में दही बिछा के परौंठे खाते जाएंगे, पिकनिक होएगी साड़ी बाहर। पति लेके आया बहुत सोहनी दरी दादी दी बुनी। लियाओ जी लियाओ। और टिड्डल बंदे खान लगे ड्रामे योगा दे। सरदार जी किद्दां दी रोटी बनी है? सरदार जी सरदार जी असी सरदार नहीं, असी सरदार नहीं हाँ। सो इस तरह कंप्लीट होते हैं हमारे 24 आवर पंजाबी फूड के साथ। पंजाबी फूड सर्व्ड, पति काइंड ऑफ खुश। बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पत्नी का परौंठा तैयार है, वो बाहर जाके खाएगी। सो बच्चा खाँदा पा एग ना रोटी, कहना मैं परौंठी नहीं खानी। बच्चे वधिया आ? सो आज की इस चैलेंज वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और ये रेसिपीज़ को आप ट्राई करेंगे। हमारी ये जो वीडियो की रेसिपीज़ हैं या हमारे मील्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बेसिक्स हैं, पर हमारे घरों में ऐसे ही चलता है। पर फिर भी मैंने पनीर पकौड़े बनाए थे जो काइंड ऑफ स्पेशल है, या अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज़ बताना। और अगर आपके दिमाग में कोई और चैलेंज वीडियो है हमारे लिए तो उसको आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं ताकि हम उस पर काम करें। मुझे ये वीडियो बना के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट फील हुआ। या That's true. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, जहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर जगह मुझे फॉलो कर लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। और मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल just the way you are. Stay happy, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy.